पर क्यों मार रहे हो? अभी छोड़ देता हूँ पेट हाउस में। ये लो जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम फिश फाउंटेन बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारी फिशेज ज्यादा देर टब के अंदर जिंदा नहीं रह सकती, तो मैंने सोचा फिश फाउंटेन बना के उसके अंदर फिश को छोड़ देते हैं। अगर मार्केट से और मिली तो और भी ले आएंगे। तो आपने वीडियो के अंत तक देखना, स्किप नहीं करना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब पेट्स को खाना दे दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं फिश फाउंटेन बनाना। दोस्तों आज मेरे पास बहुत ज्यादा डबल रोटी है इन पेट्स को खिलाने के लिए। इनको खिलाने का बड़ा ही मजा आता है, क्योंकि बड़े फनी तरीके से खाते हैं। वैसे मैं इनको दाना डालता हूँ, बड़े सब्र तहमल से खाते हैं, लेकिन जब डबल रोटी देने की बारी आती है ये आपे से बाहर हो जाते हैं। अब हम जल्दी से डक्स को खोलते हैं और इनको डबल रोटी खिलाते हैं। हम डबल रोटी डालने के लिए बर्तन इकट्ठे कर रहे हैं, और हमारी आंटी को बड़ी जल्दी है डबल रोटी खाने की। आंटी साइड पे हो जाओ, चलो आप भी साइड पे हो जाओ, सबको मिलकर देते हैं। दोस्तों डक्स खा भी रही हैं, साथ साथ शोर भी मचा रही हैं। बड़े सारे बर्तन में मैंने डबल रोटी डाल दी है, माशाल्लाह सारे पैट्स आ गए हैं खाने के लिए। डबल रोटी फिनिश करने के बाद हमारे पैट्स की दूसरी शिफ्ट लग चुकी है, और इसका एक बेबी नजर नहीं आ रहा। कब से अस्लान ढूंढ रहा है लेकिन नहीं मिल रहा इसका। पता नहीं बेबी कहाँ चला गया है। कहाँ पे है बेबी? बड़ी रिलैक्स फिर रही हो तुम तो। जल्दी ढूंढ यार अस्लान, मैं केज के अंदर देखता हूँ। इस केज में भी नहीं है, दो कबूतर हैं इसमें सिर्फ। इसमें भी नहीं है, वो सामने मुन्नू बैठा है बेचारा, थोड़ा सा ठीक हो गया। इसको गले पे चोट लगी थी, कौवे ने हमला कर दिया था। इस केज में भी नहीं है, कबूतर एक है, इसको बाहर निकाल देते हैं। ओ यार वो अंडा भी पड़ा एक, ये भी उठा लेते हैं। अरसलान इस कॉर्नर में जाके देख, वहां पे ना हो यार, जल्दी जा। यहाँ पे हमारे कबूतर नहीं छुप जाते वहां पे। क्या हुआ? एक अंडा पड़ा यहाँ कबूतरी का। नहीं दिखाओ कौन सा है। अच्छा बच्चा देख, तुर्की बर्ड्स का है कि नहीं? नहीं है। ये हमें एक और अंडा मिली है, दो दो अंडे हो गए। मुर्गी मुझे लग रहा है छुप के अंडे देने लग गई है। इन पेट्स का ध्यान रख, मैं नीचे देख के आ रहा हूँ। दोस्तों इधर नीचे आके मैंने गार्डन में चेक किया, ढूंढा उसको, और वो सामने बैठा हुआ है बड़े आराम से। नवाब साहब चेक करें किस तरह बैठा हुआ है। मैं कब से परेशान हो रहा हूँ, हम इसको ढूंढ रहे हैं और ये यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। भागना नहीं है, तंग नहीं करना, इधर ही रुक जा। ये तो भागते भी बड़े हैं, उड़ते भी बड़े हैं यार। ओए तेरी खैर, इतना ज्यादा फ्लाई करके वो सामने कांटू वाली ग्रिल में जाके फंस गया। अरसलान अरसलान, ये बेबी आ गया यार। यहाँ पे कैसे आया? यहाँ से फ्लाई करके आया, इतनी बड़ी इसने फ्लाई की है। अब यहाँ से कैसे उठाएं यार इसको? यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। एक मिनट मैं ऊपर आता हूँ, ट्राई करता हूँ ऊपर से। नहीं आ रहा यार, वो नीचे चला गया यार। फिर से दोस्तों नीचे कूद गया, इस तरफ आया दोबारा। ये देखेंगे छुपने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर चला गया। ये बैठा हुआ है ये सामने, इधर आ इधर। हाथ में आ गया सर मेरे, जल्दी आ जल्दी जल्दी आ गया यार। मेरा हाथ सही से डला नहीं है इसको। वो फिर से छूट गया यार, वो चला गया। ओहो ओ फिर फ्लाई करने लग गया। उतरी है इधर से नीचे गिरा और इस झाड़ियों में आके छुपी है, अब नजर नहीं आ रहा। जल्दी ढूंढ यार। दोस्तों कब से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। इस झाड़ी में आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या और तुर्की बर्ड्स का बेबी छोटा सा बच्चा था, वो गुम हुआ है। ये मुझे लग रहा हमारी मदद करने के लिए आया, मदद करने के लिए आया हमारे ढूंढने के लिए। चल यार ढूंढ हमारे साथ, कब से गुम हुआ है, हम ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। और दोस्तों मैं आपको याद करवाता हूँ, ये वो वाला भाई है जिसको तोते ने काटा था और ये रोया था बेचारा, काफी चीखा था। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आपने वीडियो जरूर जाके देखनी है, बड़े मजे की वीडियो है। तो इसको तोते ने काटा, ये बेचारा रोने लग गया था, रोया था ना। रोया मैंने मारा थी, मैं फंस देता। अच्छा मैंने मारा चक जोर से इसको काटा था, और इसने चीखे भी मारी, बेचारा रोया भी था। कब से ढूंढ रहे हैं हमें नहीं मिला। अब हमने हिम्मत हार के हमने डिसाइड किया, जो हमारी ऊपर वाली मुर्गी और तुर्की बर्ड्स है उसको नीचे ले आते हैं, उनकी आवाज़ सुन के ये जहाँ पे छुपा होगा वहाँ से बाहर निकल आएगा। अब हम जल्दी से पकड़ के लाते हैं, आएगा तू भी? आया। चला जा फिर। और ये फिर इसको पकड़ के लेके जाना यार, मुर्गी मैं पकड़ता हूँ और उसका बेबी तूने पकड़ना, ठीक है? और नहीं ये नहीं मारती, वो तोता काटता होता था। और यार सान मिली है जा यार, ये मुर्गी ले आए, इसको छोड़ दे, छोड़ दे यार, अब ये खुद ही ढूंढ लेगी, छोड़ दे। दोस्तों मैंने मुर्गी को यहाँ पे छोड़ दिया, ये अपना सर्च ऑपरेशन कर रही है, ये खुद ही तुर्की बर्ड्स के बेबी को ढूंढ लेगी। अब हम ऊपर पेट हाउस में चलते हैं, वहाँ पे फिश फाउंटेन बनाते हैं, काफी देर हो रही है। अरसलान जल्दी आ जाए यार, ये खुद ढूंढ लेगी, अब हम चलते हैं। रुक 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 रुक, हमारा ये फैंसी मुर्गा यहाँ पे, इसको ऊपर ले चलते हैं और गब्बर को केज में बंद कर देते हैं ना, उसने काफी देर पेट हाउस में घूम लिया। इधर आ यार, यार ये काफी मैला हुआ है, इसको नहलाते हैं आज, वाइट करते हैं इसको, ठीक है? पर क्यों मार रहे हो? अभी छोड़ देता हूँ पेट हाउस में। ये लो जी। ओए 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 यार ये क्या हो गया, इसको पकड़ यार केज में बंद करें। चल अंदर चल,
चल अंदर, तेरी वही जगह। तो दोस्तों अब हम फिश फाउंटेन बनाना स्टार्ट करने लगे हैं। इस जगह पे मैंने डिसाइड किया सलानी वाली जगह, ठीक है ना? ठीक है। चल यार बनाना स्टार्ट करें, चलो। It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. Alhamdulillah, dosto, hamara fish fountain ready ho chuka hai. माशाल्लाह काफी प्यारा लग रहा है। अब सिर्फ वेट है तो मछलियों को अंदर डालने का। मछली आसान पकड़ रहा है, अभी जैसे पकड़ते हैं तो हम इसमें डालते हैं। दोस्तों कमरे से हम फिशेस को पकड़ने के लिए गए थे, पीछे डक्स ने स्विमिंग पूल पे हमला कर दिया, सारा पानी गंदा कर दिया। ये देखिए इतनी मेहनत से मैंने साफ साफ पानी भरा था, इस साइड पे सारा गंदा पानी हो गया। ओहो, जो मैंने बजरी डाली थी उसको भी मैंने धो के डाली थी, मैंने कहा गंदा पानी ना हो, लेकिन डक्स ने सारा पानी खराब कर दिया। बड़ा ही गुस्सा आ रहा है मुझे इन पे। अब अरसलान इसी पानी में छोड़ देते हैं। चल यार पकड़ इस फिशेस को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पकड़ के डालते हैं। अरसलान इधर आ, पकड़वा यार, हाथ में ही नहीं आ रही। ये तो दो आई हैं, दो ये आ गई मेरे हाथ में। चलो जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, साफ पानी होता और प्यारी लगनी थी। तो फाइनली दोस्तों हमने फिश फाउंटेन में सारी फिशेस को छोड़ दिया, ये फिर रही है माशाल्लाह, काफी खुश है अपने न्यू घर में आके। अरसलान टर्टर को भी इसमें छोड़ दें, छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे टर्टर बेचारे टब के अंदर रहते हैं, तो इसको भी इसमें छोड़ देते हैं ना। चल पकड़ इनको भी छोड़ते हैं। खा तो नहीं लेंगे यार, मुझे डर है ये बड़े वाला खा लेते होते हैं ना। बड़े वाले को फिर रहने देते हैं। हाँ बड़े वाले को रहने देते हैं, छोटे वालों को पकड़िए। दो मैंने पकड़ लिए, बाकी तुम ले आओ। आजो जी आप भी इधर आ जाओ, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। छोड़ यार, गलती ये हमने की है, वो जो हमने पत्थर रखे हैं इसको भी कलर करना था ना। चलो खैर, एक और टर्टर रहेगी उसको भी ले आ। दोस्तों ये फिश फाउंटेन हमने जुगाड़ लगा के बनाया, बगैर पैसों का बनाया, इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट के साथ। वहाँ जब हम मिनी जू बनाएंगे उसके अंदर काफी बड़ा फिश फाउंटेन बनाएंगे जो काफी अच्छा होगा, और उसमें कलरफुल फिश ला के छोड़ेंगे, तो वो वाला सेटअप वीआईपी बनाएंगे। ये तो हमने फिलहाल जुगाड़ लगाया, यहाँ पे भी फिलहाल हमारा जुगाड़ ही लगा हुआ है, तो आप इसी तरह सपोर्ट करते रहे, इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट के साथ मिनी जू जल्दी हम बनाने वाले हैं। ये वाला सब्जा हमारे पैरट्स के लिए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इनको मैंने कल दिया था, इन्होंने बड़े शौक से खाया था। ये कल का वैसा पड़ा हुआ, मैं उठा नहीं सका। उड़ो ना यार, उड़ो ना, डर लगता है मुझे। और अब हम इनको ये वाला फ्रेश दे देते हैं, और इनकी डब्बी भी खाली हो चुकी है, ये दाना लेके आओ यार बुरहान इनके लिए। हमने जैसी खाने वाली डब्बी रखी है, माशाल्लाह सारे के सारे पैरट्स आके खाने लग गए हैं, साथ साथ लड़ भी रहे हैं। हम अंदर पैरट्स कॉलोनी में मसरूफ थे, और ये आपस में चूंचे मारी जा रहे हैं। यार ये क्या कर रहे हो, कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी तुझे? ओए पीछे हो जा गब्बर, क्या मसला था ये? दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।